नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज के तमाम बड़े खबरों की तरफ रुख करते हैं। गणेश चतुर्थी पर किया भंडारा, मनाया जन्मदिन। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में समाधि वाले बाबा का जन्मदिन मनाया गया। भक्तों ने भंडारे का आयोजन किया, कीर्तन किया, प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के बाबा ज्ञानचंद ने बताया, जो भी यहाँ श्रद्धा के साथ आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखियो गति सर्किट से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। आज हम हैं समाधि वाले बाबा के मंदिर पर और यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं बाबा के जन्मदिन मनाने की। सजावट की जा रही है, भंडारे के प्रसाद बनाने की तैयारी की जा रही है और यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आइए बाबा से बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है ज्ञानचंद। तो आज क्या है यहाँ पे, क्या कार्यक्रम? आज भोले बाबा का भंडारा है, इनका जन्म है। अच्छा, तो क्या तैयारियां हैं यहाँ पे? यहाँ पे आलू है, कचौड़ी है, उसका भंडारा प्रसाद बढ़ेगा, बूरा है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ पे भरतपुर, ये भरतपुर है यादवनों को, तो उनकी कीर्तन पार्टी यहाँ आ गई। अच्छा, मुड़िया के जहाँ आवे, बेटा के आवे, यहाँ के, यहाँ सब लंगे आवेंगे प्रसाद। मढ़ियर के जहाँ आवे और बड़ुपड़ा के जहाँ आवे। मुड़ियों के आवत है, मुड़ियों के। अच्छा, क्या इतिहास है इनका बाबा का? थोड़ा आप बाबा का ये बताइए। तो यहाँ पर समाधि स्थल है, क्यों समाधि? समाधि ये नहीं, नवादाबाई मंदिर पर रहते थे, सिद्ध बाबा लटूरी बाबा। अब जो अपनी जन्मभूमि में आ गए, यहाँ पाठक बेटा ही रहने वाले हैं, पाठक बेटा ही हमें रहने वाले हैं। और जो है अपने जन्मभूमि में वो लगी हुई है समाधि बाबा जी, इनका हम वो कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। जन्म हुआ एक मिनट के को फोन ही लेना। पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की सुपुर्दगी में एक नाबालिग किशोरी लापता होने की घटना सामने आई। परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर जबरन भगा ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद दुष्कर्म का वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके बाद जायस कोतवाली क्षेत्र में अपनी बहन राजियापुरे गुलाम मजरे मीरा मऊ जायस आ गई। जायस कोतवाली पुलिस को दी गई और काफी खोजबीन के बाद 17 अगस्त को गायब नाबालिग किशोरी को बरामद किया। लेकिन 21 अगस्त यानी शुक्रवार की देर शाम जायस कोतवाली में नाबालिग साजिया के गायब होने से अमेठी पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। साजिया के खोज के लिए अमेठी पुलिस की कई टीमें जगह जगह गश्त दे रही हैं, लेकिन अभी तक साजिया का कोई पता नहीं चला। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की सुपुर्दगी से एक नाबालिग किशोरी के गायब होने की घटना ने न सिर्फ अमेठी को हिला दिया है बल्कि यूपी सरकार को भी हिला दिया है। यूपी पुलिस का मोटा है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, लेकिन इस घटना से इस मोटो को भी फीका कर दिया है। अमेठी के जायस कोतवाली परिसर में अमेठी पुलिस किशोरी को सुरक्षित नहीं रख सकी तो लोगों को इंसाफ क्या देगी? ये घटना अमेठी पुलिस पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल यह देखना जरूर दिलचस्प होगा अमेठी पुलिस इस लापरवाही को कैसे अपने बैड वर्क को कैसे गुड वर्क में तब्दील करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। राकेश जी, क्या घटना हुई आपके साथ? साहब, हमारी लड़की को ले गए लाल मोहम्मद के लड़का ताज मोहम्मद। हमारी लड़की के साथ जो किया वो जो देखो कहा थी मैं
उसके बाद लाल मोहम्मद को पकड़ यहाँ थाने में शिकायत की तो थाने में मुकदमा लिखा गया था। मुकदमा लिखने के बाद लाल मोहम्मद को पकड़ने की कोशिश किया, पकड़ के लाए। उसके बाद जौन देखो लड़की को फिर हाजिर किया, उन्हें कहीं कि हमको छाड़ो हम हाजिर कर गए। लड़की का हाजिर की करी, उसके बाद लड़की का हाजिर करे के बाद पुलिस ने इतला दिया कि अपनी लड़की हाजिर हुई है, अपनी लड़की का चल के रिपोर्ट कराइए, डॉक्टरी कराइए मेडिकल। तो हम सुबह आए, डॉक्टरी उसको ले गए, मेडिकल करवाया, लेडीज साथ में रही, लेके गई मेडिकल करवाया। उसके बाद मेडिकल करवा के आए तो उसके तीसरे दिन फिर फ़ोन किया कि रिपोर्ट लाना, फिर साथ आए गाड़ी बिना रिपोर्ट बहन लावे, रिपोर्ट ला के थाने में फिर किया। अब सर लड़की थाने से भाग गई, अब हमको पता नहीं कैसे पता चला आपको कि थाने से लड़की भागी। फोन दरोगा ने किया, आजाद नाम पे दरोगा था। क्या कहें दरोगा जी? दरोगा जी कहीं लड़की भाग निकल गई, थाने से भाग गई है। थाने से भाग गई। और आप किस गांव की रहने वाली हैं? हम रानी के पुरवा की रहने वाली हैं। थाना कौन सा लगता है? पूरा प्रकरण ये जायज का मामला है। एक लड़की अपनी बहन के यहाँ ग्राम मोहना में आई हुई थी, वहाँ से एक ताज मोहम्मद नामक लड़के साथ चली गई थी। उसकी माँ ने जायस में 363 का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसे 17/8/2020 को बरामद किया गया था। उसका 164 का बयान कराने हेतु अभी शेष था, बाकी 161 का बयान हो गया था, उसका मेडिकल हो गया था और एक्सरे रिपोर्ट भी आ गई थी। कल सायंकाल अनामिका त्रिवेदी नामक एक कांस्टेबल के सुपुर्दगी में थी, उसकी सुपुर्दगी से वो कहीं चली गई है। उसकी बरामदगी हेतु टीमें बना दी गई हैं और इसकी इस लापरवाही के लिए अनामिका त्रिवेदी को निलंबित कर दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी हेतु, उसकी बरामदगी हेतु प्रयास किया जा रहा है। कोई सुराग मिला है अभी तक सर? अभी नहीं मिला है, जल्द ही मिल जाएगा। जलोद ग्राम में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाचरोद थाना अंतर्गत गांव जलोद खाचरोद जनपद पंचायत के गांव के हाल बेहाल। सचिव सरपंच की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। खाचरोद जनपद पंचायत के रगनिया ग्राम पंचायत का गांव जलोद जो हर बारिश में जलाशय बन जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हर गाँव में सीसी रोड बनवाने के लिए करोड़ों रूपए पंचायतों के खाते में डाले हैं, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं होने के कारण जनता आज भी कीचड़ व गंदगी में रहने को मजबूर है। ऐसा ही गांव जालोद है जहां सरपंच सचिव सुनते नहीं। सड़क निर्माण और स्वच्छता अभियान में मनमानी के चलते बच्चे और महिलाओं को बरसात के गांव में पानी के बीच रहना पड़ता है। कलेक्टर को भी आवेदन देकर आए हैं, कुछ नहीं हुआ है। उल्टा अधिकारियों से शिकायत करने पर सरपंच मांगीलाल द्वारा हरिजन एक्ट के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी जाती है। ग्रामीण जन परेशान है, मीडिया में अपनी पीड़ा सुनाई और अपनी मीडिया आवाज की मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। पत्रकारों द्वारा एसडीएम से मोबाइल चर्चा करी है तो दिखाने की बात जरूर करी है, लेकिन सवाल यह है कि सरपंच सचिव की लापरवाही पर क्या कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी? देखिए नापाकेणी से मुरलीदास वैरागी की रिपोर्ट। धक्का धक्की मत दोता रहो, धक्का धक्की दोगा तो क्योंकि जो स्तर कर रही तो पानी की समस्या। आपका क्या नाम है भाई साहब? राम प्रकाश। और आपको क्या समस्या है? ये समस्या पानी गिरा हुआ है अंदर गांव में। आपने मंत्री सरपंच को अवगत कराया था? करवाया था, तो वो क्या आपने से नहीं हुआ? अच्छा, और कहाँ कहाँ इसका ठहराव प्रस्ताव दिया आपने? ठहराव प्रस्ताव आए नहीं, कहाँ ठहराव प्रस्ताव हो भी नहीं रहा अभी। वो शासन प्रशासन से कोई मदद मांगी आपने? कोई मेरे को क्या पता नहीं, उसको तो
और आप ही को परेशानी है, गांव में सभी को परेशानी है? परेशानी सभी जो यहाँ पे बैठे हैं, सब गांव वाले सभी पानी में गिर के जा रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, तो आप माइक के सामने आप अकेले भी हो और भी कोई है यहाँ बोलने वाले? नारा आई बोले तो सही, अब माई आई ने। क्या नाम है आपका? गोकुल सिंह जी। क्या समस्या है आपको इस गांव में? समस्या है कि गांव की समस्या देख लिया आप? नहीं, वो तो हमको दिख रही है, पर लेकिन आप भी एक बताओ। गरवाणी गली में भी कीचड़ है, गली में कीचड़ है, पानी भरी गोड़ गोड़ है, और गाय भैंस को ले जाने में दिक्कत है यहाँ पे? सब बात की दिक्कत है यहाँ तो, गाय भैंस की बात कर रहे हो आप? शासन प्रशासन से कोई मदद? कोई मदद नहीं कर रहा हमारे, कई बार आई गया मंत्री, वो कहता है हमसे नहीं बनती है। सरपंच का क्या कहना है? सरपंच भी यही बोल रहा है। अच्छा, पानी गांव की समस्या घनी आया थोड़ा सा समस्या आई रही यार, समस्या फंस देखी है बार। आपने सरपंच मंत्री को बोला इस बारे में? तो ये इसी साल दिक्कत हो रही है आपको या हर साल होती है? सरपंच का क्या कहना है इस बात पे? मंत्री सरपंच सभा, मंत्री सरपंच सब आते हैं वोट लेवन ना बोलियो का भाई जान, फिर बोलते हैं कि हम आके बना देंगे रोड, हमारे कोई भी नहीं आवे, यहाँ कोई नहीं सुने हमारी। पूरा गांव में एक भी रोड पक्को नहीं, पूरा गांव में हमारे पूरा गांव में ऐसी दिक्कत है ना, हमारे हमारे मोहल्ला में देखो ऐसा पानी भर गया इधर, हमें कहते लिख रहा हमारा इतने, हमें कोई बीमार हो जाओ तो रात की फोर हम किधर जावा? पूछ, अरे तो पूछ। सरकार वर आवे तो वोट ले जाता है, मत इन हमारे रोड की सुविधा नहीं करता है, हम कैसे पानी भरेंगे? देख लो हमारे ऐसी दिक्कत आ रही है, हमारे को बहुत दिक्कत है हमारे पानी भरने की, हमारे कोई भी नहीं सुनता है सरकार। गाय भैंस को पूछ, गाय भैंस में आने जाने में दिक्कत, गाय भैंस में आने जाने में दिक्कत है, क्या भी हमें बाहर निकला तो भी दिक्कत, हमारे इतनी रोड की दिक्कत है, हमारे बच्चे बच्चे पढ़ के मर जाए। छठी जगह फुर्सत कौन यार, मारी ना मादी माई भाई, हां जो माई का मार दाड़ी ना बार तक नहीं आए, लेटरिंग ए खाड़ा खोदाड़िया तो आज भी मार नहीं आया, खाड़ा खोदाड़िया तो आज भी नहीं आया, टट्टी जो फोड़ा पड़ी गया गगरे दान बंद करो, दान करवा तेरी मजाक हम जगह
अबे अबे थमान पूछ लेगा भी। अबे कहीं जरूरत को नहीं। हाँ ले लो चप्पल ढूंढता रहा करा के सब खोदारी के लेटर को खाड़ो आज उठी ना मनमानी फीस वसूलने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जी हां, जयपुर मालवीय नगर सेंट एल एम पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से शनिवार को विद्यालय के लगभग 200 अभिभावकों ने विद्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर न संकर से जूझ रहे विद्यालय प्रशासन एवं अभिभावकों के बीच चल रहे फीस एवं ऑनलाइन कक्षाओं के संघर्ष के एक सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया गया। वर्तमान में चल रहे 9 स्कूल ऑफिस के मुद्दे से अलग विभागों ने मध्यम मार्ग अपनाने का रास्ता सुझाया, जिससे विद्यालय के खर्च एवं अध्यापकों के वेतन सुचारू रूप से हो सके एवं अभिभावक भी खुश रहे। अभिभावकों ने निश्चित किया है कि उक्त सुझाव अब राज्य सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री महोदय से मुलाकात करके ताकि वर्तमान में चल रहे मानसून सत्र से ही उन सुझावों पर विचार किया जा सके। देखिए राजस्थान से पुष्पा की। और हमारे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं सभी अभिभावक जो हैं वो परेशान हैं इस पैंडेमिक जो अपना कोरोना चल रहा है उसको लेते हुए। हमारी एक जायज़ मांग है और वो एकदम सबके लिए, चाहे वो रिक्शे वाले से लेके हो चाहे एक मर्सिडीज़ वाले के लिए हो, सबकी एक परेशानी रहती कि शुरुआत के 3 महीने जो एक बहुत बुरी तरह से निकले हैं, चाहे वो आर्थिक तरीके से देखे जाएं या स्वास्थ्य के तरीके से देखे जाएं, सबके साथ परेशानी थी। हम लोग स्कूल वालों के पास आज गए थे और उससे पहले 8 अगस्त के भी गए थे हम लोग, तो उन लोगों से हम लोगों ने एक ही डिमांड करी थी कि साहब शुरू के जो 3 महीने जो कोरोना के 3 महीने निकले थे वो हम लोगों की फ़ीस बच्चों की माफ़ करी जाए। लेकिन उन लोगों ने हमें 8 तारीख को आश्वासन देकर कह दिया कि नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इस पर डिसीजन
एक्शन लेंगे और उस पर जो भी होता है वहाँ आपको बताएंगे। आज हम सारे स्कूल की तरफ से एक बहुत शांति तरीके से वहाँ पे गए थे, लेकिन गेट बंद करा गया और गार्ड लोग ने हमें एंट्री नहीं करी है। फादर साहब थे जो हम लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करे, तो एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात थी कि हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लेके एक तरीके से और एक शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग वहाँ पे गए, लेकिन हम लोगों को एंटरटेन नहीं करा और उन्होंने हमारी एक भी मांग नहीं सुनी है। तो क्या ये गलत है या सही है? ये आप, मैं नहीं, अकेला मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सब मेरे थ्रू और पूरा मीडिया, पूरा जो जगत देखेगा, इसको ये बताइएगा कि ये गलत है या सही है। हम लोगों ने सिर्फ तीन मांग करी है कि शुरुआत के 3 महीने जो हैं वो बिल्कुल माफ़ करे जाएं। दूसरी बात हमने कही है कि जब अभी जो शुरू हो रहा है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन, जो बच्चों को पहले स्कूल जो ये कहता था कि मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ है, टीवी बहुत ख़राब चीज़ है, लैपटॉप और जो भी आपके टैबलेट्स हैं वो ख़राब चीज़ है, आज वो उसी पर जोर दे रहा है और बच्चों को 8-8 घंटे 6-6 घंटे के लिए उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि वो पढ़ाई करे। और उसमें हम लोगों ने ये कहा कि फीस जो इसकी है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत सुविधाएं आपने बंद कर दी है, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं कि जो फीस नॉमिनल चार्जेस हैं वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम सभी शिक्षकों का मैं कह रहा हूँ, हर एक आदमी जो वहाँ पे स्कूल में है उनका हम लोग हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपका पैसा नहीं रोकना चाहते, लेकिन आप खुद मन में जान किए कि वो पैसा जो मांग रहे हैं फुल पेमेंट, वो क्या जायज़ है? तो इस चीज़ के लिए हम लोग लेके आज स्कूल में गए थे, लेकिन हम लोगों का एंटरटेनमेंट किया और बाहर से ही भगा दिया गया। और वहाँ की कोई स्टाफ थी जिन्होंने अब्यूजेस वर्ड यूज़ किए, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो हम लोग उनसे यही हाथ जोड़ करके एक मैसेज पहुँचाना चाहेंगे कि ये चीज़ गलत है। साहब आप हम लोगों के लिए, अब आप मीडिया के जरिए हम लोग आपको एक मैसेज करना चाहते हैं कि शुरुआत के 3 महीने हम लोगों की फीस माफ़ करी जाए, बाकी का जो भी आपका ऑनलाइन का है वो एक नॉमिनल चार्जेस है, वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हम लोग किसी टीचर को परेशान नहीं करते, क्योंकि हर टीचर की क्या पता क्या स्थिति हो, कुछ टीचर बहुत रईस हैं, बहुत रईस हैं, और वो उन लोगों को आगे कर रहे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, तो उनका भी परिवार चलता है, दाल रोटी चावल पानी सब आता है, तो हम लोग उनको पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नॉमिनल चार्जेस हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम पीयूष चौहान है, इंसान स्कूल के लिए अभावी आते हैं हम लोग। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र नसवारिया है। हमारी जो मेन मुख्य मांग जो सरकार और निजी स्कूल संचालकों से है वो केवल इतनी सी है कि इस कोरोना पैंडेमिक में जो अभिभावक जिनकी जो निजी अपने व्यवसाय करते हैं, जो निजी नौकरी करते हैं, वो लोग जो जितनी कैपेसिटी से अर्न करते थे वो अर्निंग उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो इस लिहाज से गोविंद सिंह डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा था, अपने उनका एक वीडियो जारी हुआ था सभी जगह अभिभावकों के ग्रुप में, कि जब स्कूल खुल नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की, उन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन सरकारों निजी स्कूलों की आपसी जो उनकी जो राजनीतिक जो उनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं उसके चलते परिवार अभिभावकों को परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है, उसी के लिए हम लोग सुबह स्कूल सेंट टेंसलम पिंक सिटी स्कूल जयपुर के सामने एकत्रित हुए थे। वहाँ पर हमारे कुछ साथियों ने अंदर ज्ञापन देने की कोशिश की, जिसको वहाँ के जो फादर हैं उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, और जो कि अभिभावकों के एक जो आत्मसम्मान और सम्मान को दोनों पुरानी रंजिश में हुई थी गोरख यादव की हत्या। जी हाँ, तीज के दिन गायत्री नगर मलहिया में हुई अनिल यादव उर्फ गोरख यादव की हत्या का कारण एक नया मोड़ ले लिया है। हत्या का कारण कल तक जो मामूली विवाद था वह पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। अनिल यादव और रोशन द्विवेदी के बीच सालों से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसे तीज के दिन गाड़ी साइड करने को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई, जिसे रोशन द्विवेदी ने अनिल यादव की हत्या कर दी। अनिल यादव के भाई सुनील यादव के बयान पर रोशन द्विवेदी और उसके दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर मृतक के भाई और मामा से घटना की जानकारी लेकर प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया और एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी से अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। देखिए वाराणसी से प्रहलाद पांडे की रिपोर्ट। और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया से। मामला वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत मलहिया गांव का है, जहां बीते कल रात में गोरख यादव नाम के युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और आज हम लोग खड़े हैं यहां पर पोस्टमार्टम हाउस के पास बीएचयू के अंदर, जहां के नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष यहां पर आए अपनी मांगों को लेकर के। आइए इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांगे। मेरा नाम सुजीत यादव, समाजवादी पार्टी जिला। क्या मांगे हैं आप? मांगे ये है कि पहली बात तो इस सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, न कोई इंसान सुरक्षित है। आज कल की रात में गोरखनाथ यादव
खुलेआम भाजपा के मिनिस्टर विधायक के इशारे पर वो माफिया जिनकी नियत जमीन कब्जा करने के लिए और नौजवान की हत्या रहती है और लिपापोती उसे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और विधायक अभी भी जिले में घूम रहे हैं कि उसे कैसे बचा लिया जाए। और कहीं न कहीं ये लोकतंत्र का आनंद है और जब समाजवादी पार्टी के हमारे नेता पूरे परिवार नगर जिला पहला तो उसका असलहा लाइसेंस उसका निरस्त होना चाहिए, पूरा परिवार का सुरक्षा होना चाहिए कि अब तक दो मर्डर हो चुका है इस परिवार में, इनके पिताजी का, इनके पहले और लोगों को जहर देकर मार डाले हैं और केवल उस जमीन के लिए और जमीन को बिजनेस के जमीन के लिए उसे कहीं ना कहीं गाड़ी का बहाना बना रहे हैं कि गाड़ी पर पास लेने के लिए या रोड पर खड़े होकर ये कहीं ना कहीं यहाँ के मिनिस्टर और विधायकों का इशारा है। भाजपा के गुंडे हैं, खुलेआम गुंडे ही कर रहे हैं, कोई उन्हें डर नहीं है। अभी हम आप सुरक्षित हैं कि नहीं है ये सरकार पहले तो फेल चुकी है, कुछ नहीं दोस्तों नहीं रहा है। आपको क्या करना, किसके वजह से ये कांड हुआ है? ये कांड ये भाई यहाँ के मिनिस्टर विधायक हैं, उनके कुछ चमचे हैं, उनके काम करते हैं, उनके विद्यालय में जाते हैं, झंडा फहराते हैं, उनके जमीन में पार्टनर हैं सब। और आपने अभी बात की बातें वही बात हम वही कहे कि परिवार का सुरक्षा असलहा उनका निरस्त होना चाहिए, खुलेआम एक गुंडे ही है और उन्हें इशारा कोई मिला है तो ठीक है, हम बदमाश को पकड़े गए लेकिन उसमें गाड़ी में से तीन जो भागे हैं दूसरी गाड़ी में से वो अज्ञात का नाम हम लोग बता देंगे कौन है वो। ये किस लिए जमीन का कोई ऐसा मामला जमीन है? कहीं भी बात है, 6-7-5 साल पुराना जमा है ये जमीन, धीरे धीरे भू माफिया है मारते जाएंगे, गरीबों का जमीन लिखाते जाएंगे, इन लोग का यही बिजनेस है, यही धंधा है कि मारेंगे पीटेंगे भाग जाएंगे और एक हत्या कर देंगे। हमारे पीछे मिनिस्टर विधायक है, हमारी सरकार है, क्या कर लेंगे? तो किसी गरीब आदमी का रहने का अधिकार नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये बताइए सर, हम कह रहे हैं हमारा जमीन है तो हमारे पिताजी के भी जमीन में हत्या हो गया, हम कह ठीक है खाली जमीन है बताए हमारे भाई की जमीन है, अब ठीक है भाजपा का इतना बड़ा थोड़ा सा दूरी कैंपिंग कर लो, थोड़ा दूर दूरी बना लो। आप दिखा रहे हैं जमीन का विवाद है, जमीन के लिए ही मर्डर हुआ है, ये 6 महीना पहले भी हुआ था, हम जानते हैं हमारे सगे रिश्तेदार भी आए कहीं से विवाद चल रहे थे, कहीं न कहीं पैसा की गर्मी उनको है, जमीन का जो विवाद किया जमीन के लिए हेलो भाई, और 6 महीने पहले भी एक साल पहले भी हुआ था, चलो यार ठीक है मोहल्ला है अपना मिला के ये तो रात से लेकिन उसमें कुछ अज्ञात है दो लोग इसके नहीं बता पाए लोग पूरी तरह से आपके साथ है, हर दृष्टिकोण से आपके साथ जितनी मदद हो पाएगी वो मदद करेंगे, गिरफ्तारी हो जाए, बरामदगी हो जाए, जो चीजें बरामद होनी है उनके परिवार का सुरक्षा वो सारे से सुरक्षित चाहिए, कहे हम माने के दुबई फिर मार के मुआ के गिरफ्तारी कितने का इन्होंने नाम लिख कर दिया, हमने जो टैग कर दिया जो इन्होंने लिख कर दिया जितने का नाम लिख कर दिया सारी एफआईआर हो गई, पूरी गिरफ्तारी हो गई है, बरामदगी वगैरह जो जैसे जो भी हम कर देंगे हमने इनसे ये कहा चल रही है अभी भी सर हमसे कल बयान दिया जाए आप लिख करके दे दो मुझको उसके बाद बाकी विवेचना तो हम कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारा है, इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास कई सोर्सेस होते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, सीसीटीवी निकलवाएंगे और सारी चीजें हैं और भी जिसका किसी का दोष आएगा हम उसको भी वो करना हमारा आप जो तीन लिख करके दिए उसके बाद भी दोष जिसका किसी का होगा वो भी निश्चित रहो, वो भी कोई मतलब बच नहीं पाएगा, जो भी गुनाहगार होगा जो भी इसमें सम्मिलित होगा कोई बचेगा नहीं, ये आप निश्चित रखिए हमारा होगा वो आप निश्चित रखिए।
उसका विवेचना भी हम प्रकाश में लाएंगे। अभी आप लोग का बयान होगा, मान लीजिए कोई चीज आपको लग रहा है कि FIR में हमारा छूट गया, आप इसे अपने बयान में लिखवा दीजिएगा, एक और लिख करके दे दीजिएगा, एफिडेविट दे दीजिएगा, कुछ मतलब जैसे चाहे वैसे, कहने का मतलब है आप जैसे चाहे वैसे लिख के दे दो, वो चीजें विवेचना में सम्मिलित हो जाएंगी। उसमें कहीं किसी को उंगली रखने का मौका नहीं मिलेगा कि हाँ ये कमी रह गई या पुलिस ने ये कमी छोड़ दी, ठीक है ना। जैसे जब उनको पूरा अवसर मिले, बाकी पूरा हम लोग आपके साथ हैं, इनके परिवार की सुरक्षा हुई है। लंका थाना क्षेत्र में कलैया जो है ये किनारे में सिर्फ परिजनों का आरोप है कि ये पुरानी गली से और गली से जुड़ा हुआ है, विवाद इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सभी लोगों की पूछताछ हो रही है। अभी जो FIR में लिख करके दिया है वो FIR पंजीकृत हुई है, सभी लोगों से जिससे संबंधित नहीं है, सभी लोगों से पूछताछ हो रही है, पूछताछ आगे भी होगी, सारे फैक्ट उसमें कलेक्ट किया जा रहा है, जो भी चीज़ें आएंगी जैसा कि खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।